तो कैसा है दोस्तों, भारत और कनाडा ने अभी हाल ही में अपने सभी ग्लोबल ट्रेड को रोक दिया है और बताया जा रहा है कि इन दोनों देशों के बीच अब एक नई डिप्लोमेटिक वॉर शुरू हो गई है। और इसकी वजह है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के भारत पर लगाए गए बेफिजूल आरोप, मतलब कि एक खालिस्तानी टेररिस्ट की हत्या के पीछे ट्रूडो इंडिया को इसका जिम्मेदार बता रहे हैं। सो आखिरकार जस्टिन ट्रूडो का प्यार एक टेररिस्ट पर इतना क्यों छलक रहा है, आइए आज की इस 2 मिनट्स में समझते हैं। दरअसल इस साल जून के महीने में कनाडा के एक सबसे बड़े खालिस्तान टेररिज्म ग्रुप खालसा टाइगर फोर्स यानी कि केटीएफ के चीफ हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा के एक गुरुद्वारे के बाहर हत्या कर दी जाती है। और ये वही हरदीप सिंह था जिसने कनाडा में खालिस्तान टेररिज्म का अपना एक अलग अड्डा बनाया हुआ है। इवन इंडिया में हरदीप सिंह के ऊपर कई सारे केसेस भी चल रहे हैं और कई बार भारत सरकार ने कैनेडियन गवर्नमेंट को हरदीप को हमें सौंपने की गुजारिशें भी की थी, लेकिन जस्टिन ट्रूडो के इस टेररिस्ट प्रेम ने ऐसा कुछ होने नहीं दिया। इवन अभी हाल ही में जस्टिन ट्रूडो ने कैनेडियन पार्लियामेंट में सबके सामने ऐसा बताया कि हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल करवाने में इंडिया का सबसे बड़ा हाथ है। और इसी के साथ उन्होंने कनाडा की भारतीय एम्बेसी से हमारे भारतीय डिप्लोमेट को भी निकाल दिया। तो हम भी कहां चुप बैठने वालों में से है। अगले ही दिन भैया हमने भी न्यू दिल्ली में कनाडा की एम्बेसी से कनाडियन डिप्लोमेट को लात मारकर भगा दिया। पहली फुर्सत में निकाल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। सो इंडियन गवर्नमेंट ने तो इस स्टेटमेंट को पूरी तरीके से झूठा बताया है, बट कनाडा के बहुत सारे पॉलिटिशियंस ट्रूडो के इस स्टेटमेंट पर थू थू कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार जो हरदीप सिंह निज्जर 1997 में कनाडा एक फर्जी पासपोर्ट रवि शर्मा के नाम पर से आया था, अब उसको लेकर ट्रूडो भारत जैसे बड़े देश के साथ क्यों पंगा ले रहे हैं। सो आपको बता दें कि ये जो जस्टिन ट्रूडो की पॉलिटिकल पार्टी है लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा, वो अपने दम पर कनाडा में सत्ता में नहीं आई है, बल्कि उनकी सरकार बनी है कनाडा की एक दूसरी एनडीपी पार्टी के सपोर्ट से। और जो ये एनडीपी है उसका लीडर है जगमीत सिंह, और ये जगमीत सिंह भी एक बड़ा खालिस्तानी सपोर्टर है। सो अब यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो ये बात भलीभांति जानता है कि भैया हमको अगर पावर में रहना है तो किसी भी हालत में एनडीपी का सपोर्ट चाहिए, इसीलिए तो आज खालिस्तानी कनाडा में बेफाम हो गए है। बट आज जो ये ट्रूडो कर रहा है ना, ये सब कुछ सालों पहले पाकिस्तान ने भी किया था, और देखो आज उसका क्या हाल है। पाकिस्तान में खाने तक के वांदे है, और एट दी एंड इसकी सबसे बड़ी मार पाकिस्तान की जनता को ही पता होगी। सो उम्मीद है कि ट्रूडो भैया भारत पर आरोप लगाने की बजाय पहले अपने देश में से कैसे इस टेररिज्म को हटाए उसके बारे में सोचे, क्योंकि वो उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस एंटी खालिस्तानी मूवमेंट को लेकर, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। टिल देन मिलते हैं अगली 2 मिनट्स में। गुड बाय।